में कोरोना महामारी ने आतंक मचाया हुआ है और कोरोना के इस आतंक से निपटने के लिए कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का सभी को बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को बना रहा है और उसका परीक्षण कर रहा है, जिसे इस महीने की आखिर तक इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। सरकार जुलाई तक 25-30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी में है। सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार कोविड वैक्सीन सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी। इनमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक स्टाफ शामिल होंगे। दूसरा ग्रुप फ्रंट लाइन वर्कर्स का है। इनमें सेना, पुलिस, नगर निगम और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग शामिल होंगे। तीसरे ग्रुप में 50 साल से अधिक उम्र के लोग और चौथे ग्रुप में 50 साल से कम, जिन्हें हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी अन्य बीमारियां हैं। कोविड वैक्सीन का वितरण उन राज्यों में अधिक होगा जहां बुजुर्गों की आबादी सबसे ज्यादा है। कोरोना वैक्सीन देने के लिए राज्यों में अलग अलग जगहों पर बूथ बनाए जाएंगे। प्रत्येक बूथों पर 100 लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी और केवल उन्हीं लोगों को वैक्सीन दी जाएगी जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में शामिल होगा। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के कुल मामले 98,57,029 हो गए हैं, जिनमें से 93,57,964 लोग ठीक हो चुके हैं और 3,56,546 लोग अब भी एक्टिव मरीज हैं। और अब तक भारत में कोरोना ने 1,43,019 लोगों की जान ले ली है। हमारे देश में कोरोना का रिकवरी रेट 95% चल रहा है, जबकि मृत्यु दर 1.45% है। देश में एक्टिव मरीजों की दर 4% है। इकोनॉमिक्स टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट में आदर पूनावाला ने उम्मीद जताई है कि भारत के हर व्यक्ति को अक्टूबर 2021 तक ये वैक्सीन मिल जाएगी और आम आदमी का जन जीवन पहले की तरह सामान्य हो सकेगा। डीआईडी न्यूज की खास रिपोर्ट। डीआईडी में खबरें अब तक, इंतजार कीजिए शाम तक।